आप मुख्यमंत्री से यहाँ के टाइम लो, उनसे डोर टू आप बातचीत करो। भारत सरकार 6000 रुपए देती है, लेकिन देती क्या क्या है, भिकमंगे बना कर देती है। 2 महीने तक कहती रहेगी 2000 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे, जब दे देंगे फिर कहेंगे 2000 रुपए दिए, तो मतलब 2000 रुपए को 4 महीने प्रचार करते हैं। तुम तो ऐसे कान नहीं पकड़ते, ये जो उनसे के छोड़ती कट्स हैं, पंजाब में बिजली फ्री, हरियाणा में 15 रुपए आस पावर, उत्तर प्रदेश में 170, गेहूं का भाव बोला पर, ये कौन सा तरीका हो गया भाई? तो ओवैसी और बीजेपी के लोग एक सीट पर बैठ कर बातचीत कर रहे और वंशपाल के एक दूसरे के खिलाफ वक्त करते थे। हमने कहा कि कौन सा गठजोड़ है ये, इनके स्कूल निर्माण अलग अलग है, इनकी यूनिवर्सिटी निर्माण अलग अलग है, लेकिन नागपुर का जो ट्यूशन होता है वो नागपुर से होता है, नागपुर से इनका कनेक्शन है इनका। लेकिन अपना आंदोलन और ट्रैक्टर तैयार रखना, कहां कब जरूरत पड़ जाए आंदोलन पूरा देश में चलेगा, सरकार यहां की भी तैयार है। किसानों, नौजवान साथियों, यहां पे पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु और समस्त टीम, हमारे अध्यक्ष जी और जो भी यहां पे कमेटी के लोग हैं, ये जो पंचायत थी यहां पे सारे माधव को, और पंचायत में एक बार पहले यहां पे आए, जो धरना चला हुआ है, ये किसान मजदूर बेरोजगार मुकेश जी और उसकी समस्त टीम, उन सबका भी धन्यवाद। और धरना ये कोई आज का नहीं है, जब दिल्ली में धरने शुरू हुए ये धरना उसी टाइम का चला हुआ है, बीच में सब धरने खत्म हुए, सब धरनों को उठाया गया, करीब 500 से ज्यादा धरने पूरे देश भर में होंगे। लेकिन ये रह गया, इनकी शर्त ये थी कि जब तक संगठन के लोग यहां पर नहीं आएंगे तो ये धरना जारी रहेगा, इस धरने को जब भी हम उठाएंगे। लेकिन आज देखा कि आज फिर नई घोषणा कर रहे कि धरना हम जारी रखेंगे, क्योंकि जब दिल्ली में भी आंदोलन समाप्त हुआ, आंदोलन को 13 महीने हो गए थे, तो बहुत से लोगों का विचार था कि जी धरना समाप्त नहीं करना, क्योंकि वहां बढ़िया मन लगता था, बढ़िया ट्रैक्टर ट्रॉली थी, खड़ी थी, बढ़िया जी लगता था, जैसे एक मेला सा था, ये घर जाकर क्या करेंगे, घर जाकर तो वही परिवार के लोग मिलेंगे, यहां पे बहुत लोग मिलते हैं। लेकिन एक व्यवस्था है, सरकारों से एक बातचीत हुई, भारत सरकार से एक बातचीत हुई, एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत ये समापन हुए। बहुत से फैसले उन्होंने मान लिए, तो ये धरना भी उसी आंदोलन का एक हिस्सा है, और इसको पूर्ण रूप से जो उनकी कमेटी है, क्योंकि सबके नाम लेंगे तो हजारों लोग वहां पे आए होंगे, करीब 45 लोगों के नाम इसमें दिए कि आप इनको बोल दो, लेकिन 45 लोगों के या 90 लोगों के 100 लोगों के नाम किस किस के बोल दो, जिसके झूठ जाएंगे वो ये कहेंगे भी मेरा नाम नहीं लिया, मैं भी धरने में गया था, वहां तो हजारों लोग गए होंगे हर रोज। तो ये है कि कमेटी से निर्णय है कि धरने को समापन करें, घर पर जाएं, अभी कटाई का भी टाइम है, अपने खेत को देखें, यहां की सरकार से जो भी इशू होंगे हम चाहेंगे कि एक बार जो यहां के राजस्थान के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से राजस्थान की सरकार से भी बातचीत कर ली जाए, वो चाहे यहां के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हो,
बैंकिंग का मामला हो, जो किसानों की जमीन नीलाम होती हो, यहां के पानी का मामला हो, के जो बांध का मामला यहां पे था, जो नहर का मामला था, उस पर क्या भारत सरकार को जो चिट्ठी भेजी इसका क्या रहा, जो फसलों के लिए थे खरीद का सवाल है, इन सब चीजों से भी इनसे एक बार बात कर लो। कोई ये ना एलिगेशन लगाए कि हम सिर्फ एक ही पार्टी के खिलाफ हैं। हमारा इशू किसी पार्टी से नहीं, हमारा इशू है जो भी सरकार होगी अगर उनके फैसले किसानों के खिलाफ होंगे तो वहां पे आंदोलन होगा, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ के अध्यक्ष जी से, राजाराम जी से, यहाँ की कमेटी से, आप मुख्यमंत्री से यहाँ के टाइम लो, उनसे डोर टू का आप बातचीत करो, कमेटी बात करें, मुकदमे कैसे हो जाएंगे, मतलब यहाँ के मुकदमे वापसी नहीं होंगे, आंदोलन के मुकदमे पूरे देश में वापसी हुए हैं, कैसे मुकदमे वापसी नहीं होंगे, हरियाणा सरकार ने मुकदमे वापसी किए, सबसे ज्यादा आंदोलन हरियाणा में हुआ, लेकिन न सारे मुकदमे वापसी किए और किसानों जो वहां पर शहीद हुए उनको पंजाब और हरियाणा की सरकार ने कंपनसेशन दिया। मुद्दे होने चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के, हम देश के सब मुख्यमंत्री से मिले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि हम जितने भी 750 किसान शहीद हुए हैं उनको 3-3 लाख रुपया हम तेलंगाना की सरकार की तरफ से देंगे। मुद्दे होने चाहिए कि तेलंगाना की जो पॉलिसी है वो 10,000 रुपया एकड़ सब्सिडी अपने किसान को हर साल देती है, राजस्थान की सरकार क्यों नहीं देती, उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं देती, जो दूसरे स्टेट हैं वे भी उन पॉलिसियों को फॉलो करें। भारत सरकार 6,000 रुपए देती है लेकिन देती क्या क्या है, भिकमंगे बना कर देती है, 2 महीने तक कहती रहेगी 2,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए देंगे, जब दे देंगे फिर कहेंगे 2,000 रुपए दिए, तो मतलब 2,000 रुपए को 4 महीने प्रचार करते हैं। जारी भाई ना चल रही तो पंखे को कोई, तो ये जो मामले हैं इन सारे इश्यू पे बातचीत हमको करनी पड़ेगी। केंद्र की सरकार में भी जो मसले रह रहे हैं, जो मुद्दे रह रहे हैं, वो एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी के मामले में उन्होंने कहा कि आप किसान संयुक्त मोर्चे को कहा कि आप 2 कैंडिडेटों के नाम दे दो 21-22 तारीख में। हमने उनको चिट्ठी लिखी कि आप हमको ये बताओ इस जो कमेटी आप बना रहे हो इसके अधिकार क्या रहेंगे, इसका कार्यकाल कितना रहेगा, इसके मेंबर कितने रहेंगे, कौन कौन से संगठन से आप कितने लोग ले रहे हो, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसकी क्या कार्य योजना रहेगी, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और कल कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट में कल या 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने नाम मांगे संयुक्त मोर्चे, उन्होंने नाम नहीं दिए। हम ऐसे रास्तों पर नहीं जाते जिस रास्ते का हमको पता नहीं कि आगे इसमें कुआ है, खाई है, गहरा है, नदी है, नाले हैं, ऐसे रास्तों पर जाते। जब तक भारत सरकार स्पष्ट हमको ये नहीं बताएगी कि इसके मेंबर कितने होंगे, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका कार्यकाल क्या होगा, ये काम कैसे करेगी, कौन सी संस्था होगी, हम 2 नाम दे दें आप 15 नाम किसी और के रखियो, और फिर बहुमत के आधार पे आप फैसला कर दियो कि 13 लोगों ने कहा कि एमएसपी पे कानून नहीं बनना चाहिए और सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि कानून बनना चाहिए,
और आप अपना पास हो जाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसी आपने बनाई रखी कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में फेल कोई होता ही। तो ऐसे कान नहीं पकड़ते कि जो उनसे के छोड़ती कट है अपना, ऐसे ही ठीक है। हम पूरे देश में जाएंगे एमएसपी के इशू पे, पूरे देश में लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और ये एक जन आंदोलन बनाएंगे। वो एमएसपी का सवाल हो, बिजली अलग अलग स्टेट में अलग अलग बिजली के रेट किसानों के, यहां पर कहते हैं कि 25 हाफ पावर का मोटर डालते हैं, बिजली 2 घंटे, बिल 16 घंटे का राजस्थान में, पंजाब में बिजली फ्री, हरियाणा में 15 रुपए हाफ पावर, उत्तर प्रदेश में 175, गेहूं का भाव बराबर। ये कौन सा तरीका हो गया भाई? भाई देश में गेहूं का रेट अगर एक है, फसलों के दाम एक हैं, तो बिजली के रेट भी एक कर दो। और ये कर दो कि जो जितना पानी निकाल रहा है वो किसान अपनी फसल को पानी दे रहा है। राजस्थान का वाटर लेवल अगर 1500 फीट पे है और उत्तराखंड का नहर से सिंचाई है, तो दोनों के रेट क्यों? पानी तो फ्री हो जाए ना किसान को, वो कितने नीचे से निकाल रहे हैं, वो खेत की सिंचाई कर रहा है, उसकी क्या गलती है? तो पानी की व्यवस्था सरकार की रहनी चाहिए पूरे देशभर में। ये ऐसे बहुत से मामले हैं, बैंक के मामले हैं, यही आए आपके यही राजस्थान में उस किसान की 7 लाख रुपए के कर्जे में 10 एकड़ 10 किले जमीन मकान बना हुआ 46 लाख रुपए में बेच दी। आप उससे पूछोगे भी नहीं। सर्किल रेट जो डीसी रेट है, जो सरकारी रेट है, जो गवर्नमेंट का रेट है, जो कलेक्ट्रेट का रेट है, उससे भी उसकी कीमत 2 करोड़ करीब 30 लाख रुपए के आसपास बैठती थी। अगर उनको 7 लाख रुपए चाहिए थे तो 1300 मीटर के आसपास में उसके पैसे पूरे हो जाते। मतलब किसान की जमीन पूरी नीलाम करोगे और व्यापारी इंडस्ट्रीज वाला होगा तो जितना आपका सर्किल जो डीसी रेट है उसके हिसाब से नीलाम करोगे। ये कानून गलत है, इस संबंध में बातचीत करेंगे। ये स्टेट को पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन वाली भी सरकार में बीजेपी के और जो आरएसएस के लोग घुस रहे हैं उन्हीं की पॉलिसी पर तो नहीं चल रहे हैं सरकार भी? मध्य प्रदेश में तो चली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो दोनों पार्टी का आपस में गठबंधन है इनका। वहां पे एक मोजरवेयर कंपनी है जो कमलनाथ की है, उन्हें समझौता करके अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और अपनी कंपनियां बचाई। तो ये देश का कुछ नहीं कर सकते। इन गलत फहमी में मत रहना किसी की भी। देश पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं बचेगा, ये ध्यान रख लेना। देश वोट से नहीं बचेगा, देश क्रांति से बचेगा। इस देश में एक बार फिर आंदोलन और क्रांतियां होगी, ये देश जब बचेगा। गलत फहमी में मत रहना कोई भी कि मैं इसको वोट दूंगा, उसका हो जाऊंगा, उसका दूंगा उसको। ये अपने दिमाग में से इन आंदोलनकारियों को निकालना पड़ेगा कि देश को हम वोट से बचा लेंगे, नहीं बचेगा। देश में लोकतंत्र सब खत्म हो चुका है, जितनी भी संस्थाएं हैं उस पर अवैधानिक रूप से कब्जा हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। राजा राम जी ने बिल्कुल मीर साहब ने ठीक कहा, कुछ नहीं आप कर सकते। देश में 2 साल तक आप फैसले सुनाओगे, एक राज्यसभा की सीट में आप 2 साल तक देश में फैसले सुनाओगे। आप उस पद पर बैठ के एक राज्यसभा की सीट में 2 साल के फैसले बीतते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पे बिकता है सब कुछ। चुनाव कैसे होते हैं यहां पर? चुनाव का जिक्र इन मंचों पर मत करो। अब
अपनी बात करो बात, क्या पार्लियामेंट में जो तीन कानून वापसी हुए आपके कोई लोग थे? वहां पर नहीं थे, लेकिन आपका सड़क का आंदोलन मजबूत था, आपका शाहजहांपुर पूरा दिल्ली को घेर कर रखा, वहां पे आपके लोग थे, ये कानून आपके प्रेशर से वापसी हुए। वो जो भी वहां पे चुनकर जाएंगे उनकी अपनी एक विचारधारा, उनकी एक जमात उनकी है, वो उसी जमात में घूम मिल जाएंगे। फिर व्यापस में बैठ कर बातचीत करते हैं पूरे, हमने देखा है पूरा, जब हम टीवी के ऊपर जाते थे और टीवी पे जब बहस होती थी, अगर बैठे रहते थे वहां पर आप कोने में, और वहां पर कहीं कहीं प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों के आ जाते थे, तो सबसे ज्यादा मेलजोल पता किसका था? आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा मेलजोल जब वहां पे आपस में हम बैठते थे अलग अलग उसमें, तो ओवैसी और बीजेपी के लोग एक सीट पर बैठ के बातचीत करते थे और मंच पर आकर एक दूसरे के खिलाफ बात करते थे। हमने कहा कि कौन सा गठजोड़ है ये, इनके स्कूल दिन में अलग अलग हैं, इनकी यूनिवर्सिटी दिन में अलग अलग हैं, लेकिन रात को इनका जो ट्यूशन होता है वो नागपुर से होता है, नागपुर से इनका कनेक्शन है इनका, तो कुछ नहीं हो सकता उस लाइन पे, बिल्कुल ना ठीक कहा, कुछ नहीं कर सकते आप आंदोलनकारी हो तो आंदोलनकारी ही भाषा समझो। एक आध आदमी है कोई आपके बीच से चला गया, उसकी अड़की पुड़की बोल दो, उसे कुछ पर्चा दे दो वहां पे पार्लियामेंट में बोलने के लिए, इतना ही हो सके बस। ज्यादा उसके चक्कर में पड़ोगे तो जैसे पंजाब में नहीं 5-6 मुख्यमंत्री बने, 6-7 मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे वहां पे, सब पूर्व पात्र भी हो गए, कुछ संयुक्त मोर्चे से भी गए थे, संयुक्त मोर्चे का भी इलाज कर गए। तो अपना आंदोलन रखो और हर मुख्यमंत्री से आपको बात करने का राइट है, अपने आंदोलन पे ध्यान दो, अपनी मीटिंगों पे ध्यान दो, जो उनके इश्यू है उस पर ध्यान दो, जो यहां के मुद्दे हैं 4-5-6 मुद्दे लेके आप उधर सरकार के खिलाफ जहां पर भी करो, यहां के सरकार नहीं बात करेगी, दिल्ली सरकार से भी बात करेगी इस ऊपर। पानी का एक बड़ा इश्यू यहां पे है, हमने भी 2 दिन से यहां पे हैं, हमने पूरा समझा, अगर इन जिलों को पानी मिल जाए, भाई तेल और गैस इतनी दूर से आ सकती है तो पानी भी आ सकता है, नदियों में पानी है हमारे यहां पे, प्रोजेक्ट बड़े हुए हैं, वे साइंटिस्ट वे इंजीनियर हमारे पास में है, जरूरत है नदियों का वेस्ट पानी जोड़ने की प्लान थी इन्हीं सरकार की थी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक बड़ी योजना थी कि नदियों को जोड़ा जाए और जिन क्षेत्र में पानी नहीं है वहां पे पानी पहुंचा दो। ये किसान तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आप इनको पानी दे दो ये खेती तो अपने आप कर लेगा, इसी रेगिस्तान की जमीन में ये खेती करके आपको देगा। यहां का किसान मेहनती है राजस्थान, लेकिन पानी नहीं है, बगैर पानी के खेती नहीं होती, अगर कुछ हो भी गया तो उसका भाव नहीं मिलता, जब कर्जा होता है तो सस्ते में फसलें बेचनी पड़ती है, एक बड़ा इशू है। इस संबंध में हम हर गवर्नमेंट से, हर सरकार से, सबसे बातचीत करेंगे, हर स्टेट में हम बातचीत करेंगे, राजस्थान की सरकार से कुछ इशू ले रहे हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी टाइम ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार बनेगी, आंदोलन से इतना फायदा रहा कि बिजली के रेट आधे हुए, वहां पर जो महंगे थे वो आधे रेट हुए, इसी तानाशाह सरकार ने कही, तो ये आंदोलन से ही हुए, तो वहां की सरकार से भी बातचीत करेगी और भी सरकार से बातचीत करेंगे, भारत सरकार से भी जो आपके इश्यू होंगे इन इश्यू पर बातचीत करेंगे, लेकिन अपना आंदोलन और ट्रैक्टर तैयार रखना, कहां कब
तो चलो ये है कि इनका धरना समापन करवाना था, आगे भीड़ आज भी बहुत है, लेकिन जैसे ही कटाई खत्म हो जाएगी प्रोग्राम राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन क्षेत्रों में लगाएंगे। और अपनी लिस्टें बनाओ, जो मेंबर हैं उनको मेंबर बनाओ, उसके पास में क्या संसाधन है वो लिखो उसमें। यह आंदोलन गाड़ियों से नहीं चलता, न आंदोलन बसों से होता। अगर आप बस कर दोगे भीड़ में तो बस 6 से 7 और 8 घंटे रुकता है, आप गाड़ी में बैठ कर आओगे तो गाड़ी वाला 3 घंटे रुकता है और वो सोचता है, हाथ से इशारा कर देगा कि आ जा, वो सोचता है कि मैं अकेला जा रहा, भीड़ तो रहती है, 5 करोड़ ले जाएगा, सैसी का निकल जाएगा। लेकिन अगर ट्रैक्टर लेकर आओगे तो ट्रैक्टर वाला 2 दिन भी रुक जाता है, और उसके साथ में 30 आदमी आएंगे, गाड़ी में 5 आएंगे, ट्रैक्टर में 30 आएंगे, बस वाला फिर कहेगा मुझे रात को किराया चाहगा, अगले दिन अगर रुकोगे मुझे अगले दिन का भी किराया चाहगा, उसे कह दे तू लेकर चला जाता। तो आंदोलन ट्रैक्टर से होते हैं, इनमें ट्रैक्टरों की ट्रॉली बनवा दो, उसमें अपना बैठ के जैसे वोट रूम पर रही है और आंदोलन तो एक करना पड़ेगा, जैसे बरसात से इनका आंदोलन तो झटका, राजधानी भाई किसी की हो, आंदोलन पूरे देश में चलेगा, सरकार यहाँ की भी तैयार है। तो यह है कि आज भी अच्छा प्रोग्राम आपने यहाँ पे किया, युवा इस आंदोलन से जुड़े, ये एक बड़े खुशी की बात है कि युवा इस दिल्ली के आंदोलन से जुड़ा, नहीं तो पहले युवा तो आता ही नहीं था, लेकिन अब जुड़ा है, अभी भी देख रहे हैं कि बहुत युवा आंदोलन में है। तो युवाओं को जोड़ो, मेंबरशिप उनको दो और अपनी जमीन बचाने का काम करो। आदिवासियों के बीच में हम जो आ रहे हैं, बहुत आदिवासियों के बीच में गए, अभी भी झारखंड में गए, तो जिस झारखंड में गए वहां पर लाखों आदमी जंगलों में बैठे हुए आंदोलन कर रहे थे। वहां पर नेतरहाट एक जगह रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर, रात को भी हम वहीं रहे उन्हीं के बीच में। आपकी तो लड़ाई यहां पर पुलिस से होती है, वे मिलिट्री वाले जमीन लेना चाहते हैं, उनकी 265 गांव की जमीन, वो जमीन नहीं ले रहे अपनी, और उनका एक ही नारा है, जान लो जमीन नहीं लेंगे, जमीन दी नहीं उन्होंने, दंगा जमीन देने का प्रोग्राम है। तो आदिवासी आपसे भी मजबूती से आंदोलन करता है। हम उड़ीसा के अंदर गए, भुवनेश्वर से करीब 30-40 किलोमीटर दूर अंदर उन लोगों से मिलता है। हम महाराष्ट्र में गए, पालघर में गए, उन आदिवासियों के बीच में जंगलों में रुके, जंगलों से बेहद ज्यादा लगाव उनको है, जंगल से वे कहीं की पूरा पाठ नहीं करते, अलग अलग जगह करते हैं, कोई झुंड की पूजा करते हैं, झुंड का मतलब हो गया बांस, तो एक ही जगह से एक ही उससे कई पेड़ निकलते हो, कुछ हरिदेव की पूजा करते हैं, हरिदेवता है उनका जंगल पेड़। तो सरकार को उनको प्रस्ताव देना चाहिए कि जंगलों की रक्षा तो आदिवासी कर रहा है देश में, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो देश को लूट रहा है, वैसे प्रमोशन तो उनका करना चाहिए जो लोग जंगलों में रह रहे हैं। तो ये लड़ाई किसान, मजदूर, आदिवासी, छोटा व्यापारी, दुकानदार, इन सब की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, आप उसके लिए तैयार रहे। देश में एक और बड़े आंदोलन की जरूरत है, वो कब होगा, कहां से शुरुआत होगी, कौन सा उसका टाइम होगा, बन जाएगा होगी, लेकिन अपनी पूर्ण रूप से अपनी तैयारी रखना, शुरू आंदोलन होगा, कब कहां और कैसे होगा वो आने वाले टाइम पे आपको बताया जाएगा। आपने बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान।